हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने इकोनॉमिक्स की, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्चुअली। और ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल बेसिस पे कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जा सकती है। उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ थिंग्स देखी थी, जैसे पार्टिसिपेटरी नोट वगैरह के बारे में देखा था, एडीआर के बारे में देखा था, जीडीआर के बारे में देखा था, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंट्री और दूसरी कंट्री आपस में किस तरीके से एग्रीमेंट करती है। जैसे कई सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इकोनॉमिक यूनियन, या इस तरीके से जितनी भी चीजें होती हैं वो आखिर में होती क्या है, कैसे साइन होती हैं, और ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के हैं। इन दोनों को आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड दिस इज द बेसिकली द एग्रीमेंट। क्या होती है चीजें, पहले देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए केवल और केवल इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। अगर मान लीजिए इंडिया के जैसे ही कुछ और भी आसपास की कंट्रीज को आप मिला लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। इसके अलावा और बड़े लेवल पर जब आप आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एशियन कंट्रीज। तो इस तरीके से बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मतलब हो रहा है ग्रुप ऑफ कंट्रीज जब आपस में मिल करके इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो चैप्टर का थीम समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर में क्या चीज है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, ट्रेड फंड क्या होती है। अ ट्रेड एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन दैट आउटलाइंस हाउ दे विल वर्क टूगेदर टू इंश्योर म्यूचुअल बेनिफिट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जैसे अगर आपने जो भी कंट्री आपस में मिलकर आई है, ऐसा तो है नहीं केवल बातों विचारों में ही आएगी, क्योंकि हर एक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, हर एक कंट्री में चुनाव होते हैं और सरकारें बदली जाती हैं। तो जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो सीधी सी बात है कंट्री के बीच में, कई सारे कंट्री के बीच में कभी दूरियां होती हैं तो कभी ये नजदीकियां हो जाती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा कि अगर मान लीजिए जब भी हमारे यहाँ इंडिया में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो इसराइल प्रोन होती है, मतलब इसराइल को ज्यादा फोकस कर रही होती है, और वही अगर यूपीए की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो पैलेस्टीन के ज्यादा करीबी बनती है। तो इस तरीके से हमारी सरकार के बदलने से गवर्नमेंट के बीच में जो क्लोजनेस होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तो इस घटती बढ़ती रहने के कारण ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, बाद में फिर कहेंगे हम नहीं करेंगे, फिर वापस से कहेंगे कि हाँ ठीक है यार फिर से कर लेते हैं। तो इससे क्या होती है कि एक मिसमैच रहता है, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का एक सिंगल और सिंपल तरीका होता है, और वो होता है एग्रीमेंट कर लीजिए भाई। एग्रीमेंट कर लेंगे तो आप बाउंड हो गए, अब आपको करना ही पड़ेगा जब भी आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो। एंड दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली ट्रेड फंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो जा रही होती है। इसमें नंबर ऑफ चीजें होती हैं, जैसे सबसे छोटे लेवल पे होती है जिसको बुलाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर PTA। इससे बड़े लेवल पे, इससे हायर लेवल पे होती है जिसको बुलाता है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद और एक और नेक्स्ट लेवल आती है जिसको बोलते हैं CECA, या इसी को बोलते हैं CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके नेक्स्ट लेवल पे आती है कस्टम यूनियन, इसके नेक्स्ट लेवल पे आती है कॉमन मार्केट, एंड नेक्स्ट लेवल आती है इकोनॉमिक मार्केट। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये कुछ खास दोस्त बनेगा और ये उससे खास दोस्त बनेगा, ये उससे भी ज्यादा खास बन जाएगा, ये एकदम बेस्ट वाला बेस्ट बन जाएगा, और ये तो अपना भाई बन जाएगा।
तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक ट्रेड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हो रही होती हैं। वन बाय वन करके जरा फटाफट सबको देखना शुरू कर देते हैं और इसमें देखते हैं व्हाट इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड ऑल दिस टर्म्स। सबसे पहले आती है हमारी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे इंडिया मान लेते हैं कि नेपाल के साथ में कोई एक एग्रीमेंट करना चाह रही है, लेकिन इंडिया अभी पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी को या फिर इंडिया पूरी तरीके से नेपाल पे अभी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाई है, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया कुछ लिस्ट निकाल देगा, कहेगा देखो ये सामान है जिसपे हम लोग एक काम करते हैं कि ट्रेड कर लेते हैं, और जब हम ट्रेड करेंगे तो इसपे हम लोग टैक्स वगैरह जो भी लगाएंगे वो मिनिमम से मिनिमम लगाएंगे। तो इस तरीके की जो लिस्ट होती है उसको आप लोग बोलेंगे कि दिस इज पॉजिटिव लिस्ट। क्यों पॉजिटिव लिस्ट, क्योंकि यहां पर इन सब चीजों पे आप ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए नाम लिख दिया गया है कि ये पॉजिटिव लिस्ट है। तो बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में पॉजिटिव लिस्ट हो रही होती है। इट इज एन एग्रीमेंट इन एन ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ। तो टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाता है, वही जो टैक्स वगैरह है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, बट नॉट बाय अबॉलिशिंग देम कंप्लीटली, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कस्टम ड्यूटी जो होता है वो 10% है, तो इन लोगों के लिए कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाएगी वो 2% लगा दी जाएगी, खत्म नहीं की जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ ट्रेड पैक्ट। जो भी एग्रीमेंट करना है वो कर लेंगे। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब अभी उतना आपको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है और अभी आप शुरुआती दिनों में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं एप्टा, एप्टा की भी लगातार मतलब एनुअल मीटिंग्स होती रहती हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये एग्रीमेंट हो जा रहा होता है। दूसरा होता है इसी तरीके से इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इन दोनों के बारे में जरा एक एक डिटेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। सबसे पहले एप्टा के बारे में देखेंगे तो एप्टा मतलब इसको हम लोग बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन अलग चीज है, बैंकॉक एग्रीमेंट अलग चीज है। बैंकॉक डिक्लेरेशन का मतलब होता है आसियान का बनना, आसियान का एस्टैब्लिशमेंट 1967। बैंकॉक एग्रीमेंट का मतलब है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 1975 में हुई थी एज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएन इकोसोक या इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। स्कैप इज रीजनल डेवलपमेंट आर्म ऑफ यूएन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। तो आप इन बॉडी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप याद रखिएगा बॉडी कौन सी है, बॉडी के बारे में हम लोग अलग से सेपरेट डिस्कशन करेंगे। चलिए खैर, तो ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हुआ, याद रखने वाली चीज है, दिस इज फैक्चुअल डिटेल जो आपको याद रखनी है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1975 और यूएन स्कैप के माध्यम से हुआ था। दूसरी होती है इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मर्कोसुर का मतलब क्या है। मर्कोसुर एक्चुअल में जिस तरीके से आसियान होता है हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का होता है, वैसे ही मर्कोसुर होता है साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है वो आपस में ये एग्रीमेंट करके रखी हुई है। तो जब हम साउथ अमेरिका के इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ में खुद हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिया मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मर्कोसुर इज अ सब रीजनल ब्लॉक विथ इट्स मेंबर कंट्रीज। फुल मेंबर्स आर कौन कौन से, साउथ अमेरिका वाले, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे एंड वेनेजुएला। क्लियर हो गया क्या चीज है मर्कोसुर और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। अब देखिए हमारा फर्स्ट लेवल पे जो बिल्डअप हुआ था वो ट्रस्ट बिल्डअप करना था। जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो हम लोग आते हैं अपने सेकेंड लेवल पे और यहां पर बोलते हैं कि यार अब हमारा काफी अच्छा ट्रस्ट हो गया है, मोर ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड हो गया है, वो अब बिल्डअप हो गया है। तो अब आप क्या करते हैं, यहां पर जो कुछ चीजों की लिस्ट निकाले थे, जो आपने लिस्ट निकाली थी जहां पर आपने बोला था कि इन इन आइटम पे हम लोग ट्रेड करेंगे, इन इन आइटम पे हम लोग कोई टैक्स नहीं लगाएंगे या बहुत कम लगाएंगे, यहां पर जो टैक्स लगेगा, यहां पर जो लिस्ट निकलेगी उसमें ये रहेगा कि वो कौन सी चीजें होंगी जिसपे हम ट्रेड नहीं करेंगे और बाकी अपने आप सारी चीजों पर ट्रेड हो रही होगी। तो इसलिए इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली निगेटिव लिस्ट, क्योंकि यहां पर हम लोग केवल और केवल उसके बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में हम लोग मतलब ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम लोग उसका ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे टोबैको हो गया
या फिर हमारे कुछ और भी चीजें हो जाती हैं, तो उसपे हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, निगेटिव लिस्ट में चला जाता है। बाकी जितनी भी चीजें रहेंगी उसमें पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि वो सारी चीजें जो होती है ट्रेड हो रही होती हैं। तो एफटीए इज ट्रेड ब्लॉक हुज मेंबर कंट्रीज हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इलिमिनेट टैरिफ इंपोर्ट कोटास एंड प्रेफरेंसेस ऑन मोस्ट इफ नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेस। तो मोस्टली पे सब पे जो होता है वो रहता है, लेकिन कुछ पे नहीं होता, और यही कुछ जो है वो लिस्ट के फॉर्मेट में निकालते हैं और वही हो जाती है हमारी निगेटिव लिस्ट, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए साप्ता या साफ्टा ये जो चीज होती है वो हो जाती है हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे साउथ एशिया के साथ में पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट थी, अब वो कन्वर्ट होकर के साफ्टा हो गई है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर हो गया? तो ये अगेन जनरेट होता है। सिमिलरली देखिए आसियान एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड एग्रीमेंट विद इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान के बारे में है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात भी किया था, इनके नाम पर, किसके नाम पर, बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी सीईसीए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका नेक्स्ट लेवल होता है जो हम लोग बोल रहेंगे अभी सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब देखिए हमारा क्या था, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद हम लोगों ने थोड़े से और अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और हमने कहा कि चलो ठीक है कुछ कुछ आइटम रहेंगे जिसपे अब हम लोग उनको छोड़ देंगे, बाकी सब पे ट्रेड करेंगे। इसका अब जब नेक्स्ट लेवल आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीईसीए। तो दिस इज बेसिकली पीटीए, दिस इज बेसिकली एफटीए, नाउ द नेक्स्ट लेवल सीईसीए, और इसका भी एक नेक्स्ट लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीईपीए। हालांकि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है कई बार, बट स्टिल जो होता है एक लेवल हायर होती है। बारे में इसके देखते हैं, व्हेन द कंट्रीज गो बियॉन्ड एफटीए एंड एग्री फॉर ए ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विच एक्सटेंड टू कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो एंड टू एक्सपैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इट रिजल्ट इन सीईसीए और सीईपीए। सीईसीए और सीईपीए में अंतर केवल यह है, सीईसीए में केवल और केवल गुड्स वगैरह का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, हायर डिग्री पे हो रहा होता है। सीईपीए में गुड्स ही केवल नहीं बल्कि अब सर्विसेस का भी होना शुरू हो जाता है, तो सर्विसेज का भी आपका ट्रेड स्टार्ट हो जा रही होती है। जैसे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ हमारा सीईपीए साइन है, और इसी वजह से एलजी हो गई या नंबर ऑफ अलग अलग तरीके की जो कंसल्टिंग कंपनीज है वो भी आकर के यहां पर इंडिया में काम कर सकती हैं। तो सीईपीए हैज अ बिट वाइडर स्कोप देन सीईसीए, व्हाइल सीईसीए कम्स फर्स्ट विद इलिमिनेशन ऑफ टैरिफ, सीईपीए कम्स लेटर ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। तो हर तरीके की चीजें हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इंडिया ने सीईसीए साइन किया हुआ है सिंगापुर के साथ, जबकि साउथ कोरिया के साथ इन्होंने साइन किया हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीज है। देखिए इसमें बेसिकली आपको थोड़ा याद ही करना है, ठीक है, नाम याद रखने हैं और एग्रीमेंट तो जरूर याद रखने हैं। ये एग्रीमेंट आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट आती है कस्टम यूनियन, और ये होती है नेक्स्ट लेवल, मतलब प्रेफरेंशियल से ऊपर हमारी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड से ऊपर हमारी सीईसीए, सीईसीए से ऊपर हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट से हो जाती है कस्टम यूनियन। तो इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज टू हैव फ्री ट्रेड अमंग देमसेल्व्स एंड टू अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर अगेंस्ट एनी अदर कंट्री इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग टू दीज कंट्रीज। तो इस तरीके से ये कस्टम बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे साउथ जो हमारी सदर्न कॉमन मार्केट है, जैसे हमारी मरकासुर के बारे में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, इन्होंने क्या किया, अपना एक यूनियन बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, जिसमें ये कहा गया कि अब हमारा जो भी ऑब्स्टकल होगा, अब जो भी हमारी सिस्टम होगी वो एक रहेगी, अब कोई भी हमारे लिए अंतर नहीं रहेगा। मतलब अगर मान लेते हैं इसमें से किसी एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ में झगड़ा हो गया, कोई इश्यू हो गया, तो कोई भी कंट्री अब उस कंट्री के साथ में किसी भी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन करेगी। क्लियर हो गया क्या चीज है मरकासुर का मतलब? जैसे इसी मरकासुर की तरीके से आप ध्यान से देख सकते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो जितनी भी गल्फ की कंट्रीज है, जैसे बहरीन हो गई, कुवैत हो गई, ओमान हो गई, कतर हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, तो ये कुछ कंट्रीज है जो आपस में मिल करके एक कोऑपरेशन बना के रखी हुई है। एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे इसमें, सारी कंट्रीज सुन्नी कंट्रीज है, क्योंकि शिया के साथ में इनका आपस में विवाद होता है। तो खैर वो चीज हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे, दिस इज इकोनॉमिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस हियर।
ओके नेक्स्ट हमारी आती है जो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी होती है, दिस कंपोज्ड ऑफ फाइव कंट्रीज इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन इन ईस्टर्न अफ्रीका, बुरुंडी, केन्या, रवांडा, तंजानिया एंड उगांडा। तो ये बेसिकली कुछ कंट्रीज है जो आपस में मिल करके कस्टम यूनियन बनाती है। थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी यहां पर मैं देना चाहूंगा, जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया और नेपाल आपस में ट्रेड कर रहे थे और कुछ आइटम पे ट्रेड कर रहे थे, तो यहां पर क्या होती थी, सम आइटम्स थी, उनकी लिस्ट बनी हुई थी और इस तरीके से ट्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने क्या किया कि कहा कि आप ठीक है चलो अब ये हम लोग जो लिस्ट लिखेंगे वो मैक्सिमम आइटम पे कर देंगे, कुछ को छोड़कर सब पे कर लेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि अब हम लोग सर्विसेज और बाकी चीजों का भी करना शुरू कर देंगे, दिस इज बेसिकली सीईसीए और सीईपीए, हम लोगों ने ये कर लिया। इससे ऊपर हायर लेवल पे हम लोगों ने देखा कस्टम यूनियन। अब इस कस्टम यूनियन में हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ में सीईसीए या सीईपीए साइन कर लिया। लेकिन यहां पर चीज क्या है, यहां पर जो करेंसी होगी अभी भी वो करेंसी किसमें ट्रेड हो रही होगी, या तो वो लोकल करेंसी या फिर बेसिकली डॉलर, तो बेसिकली डॉलर में ही यहां पर अभी ट्रेड हो रही होती है, यहां पर अपनी खुद की कॉमन करेंसी कोई नहीं होती है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जो आपस में डॉलर के माध्यम से ट्रेड कर रहा है, लेकिन एग्रीमेंट ये बनाया है कि भाई अगर तुम्हारा कोई दुश्मन बना तो हम सबका वो दुश्मन बन जाएगा, जैसे नाटो है। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसको बोलते हैं कस्टम यूनियन। नेक्स्ट होती है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट क्या चीज है, अ टाइप ऑफ कस्टम यूनियन, इसी का एक टाइप जहां पर देयर इज अ कॉमन पॉलिसी ऑन प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी तक क्या है कि यहां पर हर एक कंट्री के अपने खुद के कुछ नॉर्म्स होंगे, खुद की पॉलिसीज होंगी, खुद के कुछ कानून होंगे, लेकिन वही कानून अगर सब कुछ सेम कर दिया जाए, एक जैसा कर दिया जाए, तो उसको अब हम लोग बोलना शुरू कर देंगे कॉमन मार्केट। क्लियर। जैसे यहां पर आप कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसीज में सिमिलैरिटी ला दी जाएगी कि कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, अगर वो प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है, तो हमारे इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का अपना अलग नियम कायदा कानून है और बाकी कंट्री में अलग नियम कायदा कानून है। अगर उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के दोनों अगर साथ में आ गए और कहे कि भाई इस पे हम लोग एक सिमिलैरिटी बना लेते हैं, इस पे हम लोग एक कंसेंसस बना लेते हैं, तो वो बन जाएगा कॉमन मार्केट का फंडा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमिक यूनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होगा कि अब अभी तक क्या हो रही थी, हमारी करेंसी कॉमन नहीं थी, हमारा जो डॉलर था वो कॉमन नहीं था, अब वो कॉमन हो जाएगी और सारी कंट्री जितनी भी इसमें इस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज आएंगी उन सब की करेंसी सेम हो जाएगी। लाइक यूरो, यूरो एक इकोनॉमिक यूनियन है जहां पर हर एक कंट्री आपस में एक जैसी हो जाती है और साथ में मिलकर के ट्रेड कर रही होती है। देन इकोनॉमिक यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉमन मार्केट विथ अ कस्टम यूनियन, दिस पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैव बोथ कॉमन पॉलिसी ऑन प्रोडक्ट रेगुलेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर एंड अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। तो इस तरीके से हर चीज अपनी कॉमन कर लेते हैं जिससे कि ट्रेड में दिक्कत ना हो, इकोनॉमिक जो भी हमारी करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू है उसमें कोई दिक्कत ना हो क्योंकि करेंसी सेम हो जाए, इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स ना आए, इसीलिए ये लोग अपना क्या कर देते हैं, फ्री मूवमेंट कर देते हैं, चलो भाई अपना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना हर चीज रखेंगे। तो दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक यूनियन, इसका सिंपल एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन, एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है हमारी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। अब ये क्या होती है, ये एक एग्रीमेंट होती है जिसमें कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर के आती हैं और पहले से एक डिसाइड हो जाता है, पहले से एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, किन किन चीजों पे ट्रेड करेंगे। तो व्हेन एन इकोनॉमिक यूनियन इन्वॉल्व यूनिफाइंग करेंसी इट बिकम्स ए इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि वो एक तरीके का इकोनॉमिक हो जाता है जहां पर सब चीज एक साथ मिल करके आ जा रही होती है, दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, ये सेम ही चीज हो जाती है। इसके बाद देखिए एक टेबल है और ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से आप समझ सकते हैं इसके लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री आपस में मिल करके एक ग्रुप बना लेता है, या बोल सकते हैं उसको हम ट्रेड ब्लॉक बना लेता है। उस ट्रेड ब्लॉक में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती है और उसके कुछ फीचर्स होते हैं और ये बेसिकली होता है एक एग्रीमेंट के फॉर्मेट में, दिस इज एग्रीमेंट। लेकिन ये एग्रीमेंट MOA नहीं होता है, दिस विल बी MOU, MOU होते हैं जनरली, MOU होते हैं। बहुत ही हायर लेवल पे अगर मान लीजिए चले जाएंगे तब आप जाकर के MOA साइन कर रहे होते हैं,
अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको पता है कि MOA और MOU में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MOU एंड MOA, अगर आपको डिफरेंस पता है तो कमेंट करिएगा। चलिए खैर हम लोग जरा देखते हैं अपने ट्रेड ब्लॉक के बारे में। तो पहली ट्रेड ब्लॉक है जैसे TTIP या इसी को बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। कंट्रीज कौन कौन सी है इसमें, यूएस आ जाती है और यूरोपियन यूनियन आ जाती है। ये देखिए आपको प्योरली याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके फीचर्स क्या क्या है, द एम ऑफ दिस एग्रीमेंट इज फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी जो है वो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहां पर क्या चीज है, यहां पर कंट्रीज जो है वो आसियान की 10 कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। हालांकि यहां पर इंडिया भी हुआ करता था लेकिन इंडिया ने अपने आप को फिलहाल के लिए इसको वापस ले लिया है, मतलब इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ RCEP राइट नाउ। इसमें है क्या, इट वुड बी लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक, दिस एग्रीमेंट वुड हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी, प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास जब बात करेंगे तो हम लोग वहां पर बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में किस तरीके से ट्रेड होती है, क्या कॉमन एक पॉलिसी बनाई गई है, किस तरीके से चीजें की जा रही होती है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या है, और ऐसा क्या है कि इंडिया को बार बार WTO में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ जाता है, या ऐसी क्या चीज है जो RCEP में इंडिया अपने आप को क्यों बाहर कर लिया है। सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, एम्बर बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, नंबर ऑफ चीजें बात करेंगे। इसके अलावा दोहा डेवलपमेंट एजेंडा वगैरह हो गया, सेफ गार्ड मैकेनिज्म हो गया, सब कुछ देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा देखिए एक और छोटी सी और ट्रेड ब्लॉक है जिसका नाम है TPP, तो दिस इज बेसिकली TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये टीपीपी में क्या है कि पहले यूएस भी हुआ करता था लेकिन यूएस ने अपने आप को अगेन यहां से विदड्रॉ कर लिया है। कंट्रीज कौन कौन सी बच गई हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, कनाडा हो गया, चिली हो गया, जापान हो गया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द कंट्रीज जो कि अभी फिलहाल में ये है। पहले इसमें 12 कंट्रीज थी, अब ये 11 ब्लॉक में बदल गई है, 11 कंट्रीज केवल बदल गई है। इसमें बात करें क्या चीज है, इसके फीचर, तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड बाय GDP। इट रिमूव्स टैरिफ ऑन एन एस्टिमेट 95% ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो देखिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, फीचर हालांकि आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ट्रेड पता होना चाहिए कि ये क्या है और कंट्रीज पता होनी चाहिए, और साथ में जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है वो सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास हम लोग की थोड़ी सी फैक्चुअल बेसिस पे चली गई थी जहां पर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में बात किए थे, बट स्टिल हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला था। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।